इस वास्ते विश्वामित्र मुड़ वशिष्ठ के पास आउंदा सी, मन विच धार के भी किते एक बारी तो मैनू ब्रह्मरिखी आखे, पर उन्हें एक बारी भी ना आखे। सौ बारी आए, सौ बारी आखिया राजरिखी, ते सौ पुत्र मार दिता विश्वामित्र वशिष्ठ का। हुण चुप के सुनने लगा, मेरी बड़ी निंदा करदे होणगे, मैं इन्हों का सौ पुत्र मारे है, खबर नहीं है मेरे मारन वास्ते की प्रबंध सोचते हो। किसी रात लुक के खड़ोता है विश्वामित्र, से घरवाली पूछती है वशिष्ठ नू, महाराज इस वेले कौन ऋषि बड़ा प्रतापी, कौन है जिसकी बड़ी तपस्या है? उन्हें आखिया ऋषि ऋषि विश्वामित्र है, क्योंकि भावे दुश्मन भी हो गए, दुश्मन भी होवे पर जे तारीफ का वेला आवे तो तारीफ उसकी भी करनी बनती है। मावे उसने साडा सौ पुत्र मारे है, पर फिर भी मैं जो देखता हाँ तो ऋषियों चो बड़ी तपस्या विश्वामित्र की है। विश्वामित्र सुन के प्रसन्न हो गया, तो मैं इन्हां नाल की कीती, ए मेरी फिर भी तारीफ कर रहे हैं। तो जब सामने आ गया, उस वेले वह शाही साख विच नहीं सी, आंदे नू वशिष्ठ महाराज ने देखिया, आखिया आओ ब्रह्मऋषि। विश्वामित्र ने आखिया जी ऐनी गल पहला चा कहो, एडा विसाद क्यों होता, मैं तुहाडे इतना वैर क्यों पैंदा, मैं सौ पुत्र तेरा मार दिता, सौ वारी आया तू मैनू एक वारी भी ब्रह्मऋषि ना आखिया, ते हुण क्यों आखिए? उन्हें आखिया मैं तेनू जिस रंग विच वेखदा सां वो कुछ कहता था, इस वेले तू सास वास तो बिना आया, इस वास्ते मैं तेन ब्रह्मऋषि आखी है, मैं तो जो कुछ देखा उ कुछ कह रहा, फिर भी मैं बड़ा प्रसन्न होया, तू मैनू ब्रह्मऋषि आखी है, मंग की दे, तू अपने मुंह मनिए भी मैं बड़ी तपस्या वाला हां, जो मंगेगा मैं देंगा, मंग रिखी मैं तेन की दया, मैं चाहता मैं तेरा सौ पुत्र मारे है, मैं तेरे बड़ा वैर पिया रहा हां, उस अपने वैर की हूं मैं तलाशी चाहता, हूं तेरे नाल प्यार करना चाहता, भुल जा उस मेरे वैर नू, मैं तेरे सौ पुत्र मार बैठा हां, होली भरनी चाहता, मंग की मंगने? बस इसने आखिया महात्मा तो मंगना नहीं चाहिए, क्योंकि असी छोटे कोई छोटी चीज मंग पवांगे, वड्डियां कोलों मंगण वास्ते मुंह ना खोलिए, वड्डियां ते छोड़ दे, वो जो आपे देंगे तो कोई वड्डी शायद देंगे, इस वास्ते स्वामी मैं मंगदा कुछ नहीं, जो कुछ देना चाहते हो आपे दे दे। इसने आखिया अच्छा मेरे उत्ते गल सुटी, मैं तेरा सौ पुत्र मारे है, हुण मैं तेनू कुछ देना चाहता हां, लिया पानी चुली भर के करा संकल्प, फिर जो कुछ देना है वह मूहों कढ़ा, भर के चुली पानी दी। विश्वामित्र ने आखिया वशिष्ठ ऋषि मैं तेनू सौ साल की तपस्या का फल दिना, सौ वरे की कीती तपस्या मैं तेनू दिती, बहुत अच्छा महाराज, कहिंदा खुश है एडा फल दिता है तेनू, सौ साल की कीती तपस्या मैं तेरी पेटा कीती है। जिस वे जान लगा तो वशिष्ठ ने आखिया स्वामी गृहस्थी के घर आयो, अगे तो वाला आए तो गुस्से नाल चले गए, हुण तो वातावरण प्यार दा है, इस वास्ते खाली अस्सी ना जाओ, कुछ पेटा तो मेरे को भी ले जाओ, गृहस्थी के घर विच आयो, गृहस्थी का धर्म है महात्मा घर आवे उसकी यथाशक्त पेटा का, खाली अस्सी ना जाओ, कुछ बेटा हाजिर कर दा और ले जाओ, कृपा करे। अच्छा भाई विश्वामित्र बैठ गए, वशिष्ठ महाराज ने मत्था टेकिया, आखिया स्वामी मैं तुहाडी बेटा सतसंग दी अद्धी गड़ी का फल करदा, अद्धी गड़ी सतसंग का फल, क्योंकि मैं गरीब हां, मेरे को बहुत कुछ नहीं, थोड़ा जिहा जो कुछ बन सर आया मैं तुहाडे अगे रखिया, तुसी बड़ी कृपा कीती है, सौ साल की तपस्या दिती है, भाई तुसी वड्डे जो हो, तुसी धनी जो हो, तुसी देण जोग हो,
क्योंकि महापुरुष असी फिर भी ग्रस्त निम्रता नाल हाथ जोड़ के आखिया तुसी महापुरुष ग्रस्ती दे घर आए मैं थोड़ी जी सहता थोड़ी अगे रखदा प्रभु स्वीकार करनी अद्धी गड़ी सतसंग का फल गुस्से आ गया विश्वामित्र ये महात्मा की निरादरी करन लगा सौ साल की तपस्या का फल मैं तैनू देवा ते तू मैनू देवे अद्धी गड़ी सतसंग का फल तू मैनू सतसंग का फल नहीं दे रहा तू मैनू टिचर कर दे मैं महात्मा नाल हस्ती करा जिन्हों के चरणा की मैं धूड़ वाचदा जिन्हों की धूड़ लैके मस्तक से लाऊंदा हां मैं उन्हां नाल टिचर करांगा नहीं संतन सेती मशकरी ये कुल डोबन की रीत भगवान सेवा करें हुजता करें पलीत मैं हुजती नहीं मेरी निगाह विच जिस घड़ी का बड़ा मुल है मैं वह तुहाडे अगे रखी अपने कोल जो सब तो कीमती शह मैं दिखी है मैं तुहाडी बेटा कीती है एक आपो अपनी निगाह है स्वामी थोड़ी निगाह विच ए तुच्छ है अद्धी गड़ी सतसंग का फल पर मेरी निगाह विच बहुत वड्डी शह है जे तुहानूं प्रतीत करनी होवे चल के किसे कोलों फैसला करा लै अद्धी गड़ी सतसंग का क्या फल है किसा मित्र ने आख्या बेशक कौन फैसला करे हुण वड्डा मुकदमा किसे वड्डे जज को ली जाएगा ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਆਏ ਸਨ ਵਸਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜਦ ਬੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਪਾਗਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਰੱਬ ਤੁੱਠੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੇ ਨਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸਰਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨਾਜ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਿਓਂ ਟਾਲ ਦੇਵਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਜਮਰੀਅਨ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਚ ਰਿਹਾ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਮੇ ਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਨਰਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਆ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਵੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ
है ये भी बड़ा ऋषि मैं मनदा हूं, पर देने में इसने नहीं सोचा कि मैं विश्वामित्र की निरादरी कर गया की दिता सू अजी गड़ी सत्संग दल। महाराज तुम फैसला करो कौन सच्चा है कौन झूठा। उन्हें भी यही कुछ सोचा एक झूठा एक सच्चा कर श्राप जरूर देने। कह लगा महाराज गल है मैं अज चतूरा बहुत पी बैठा ये सिर पिया चकरांदा मैनू ते गल की पूरी समझ ही नहीं आई। जिन्हें समझी नहीं गलो फैसला की करे अज मैनू माफी दो फिर कदे सही। आखन लगे नहीं असी तो फैसला हुणे चाहुंदे फिर हुणे चाहुंदे हो ते फिर तकलीफ करो थोड़ी जी केड़ी भगवान विष्णु दे पास चले जा नेड़े ही बैठे विष्णु दे पास आ गए। दोनों ने जिस वेले अपनी गल सुनाई तो विष्णु महाराज भी सोची पै गए कि फैसला करिए इन्हों का। सोचिया मैं अपने मुंह कुछ ना आखा कोई ऐसी तरकीब करा इन्हों पता लग जाए। तो कह लगे अच्छा तुम इस मुकदमे के कागज मेरे मुंशी नूं पढ़ा दियो सारे वो पढ़ लवेगा फिर मैनू दसेगा मैं फैसला लिख दिया। कौन है तुहाडा मुंशी? कह लगे शेषनाग। बहुत अच्छा शेषनाग के पास आए वह धरती सिर पर जाई बैठा अखा के इशारे नाल उसने नमस्कार की थी। आओ आओ रब दे प्यारे आओ प्रभु दे प्यारे धनभाग तुहाडे दर्शन होए हुक्म करो। आखिया साडा मुकदमा है आ जरा तू समझ लै तो फिर भगवान तो फैसला लै दे। ओके भगवान कहिंदे ने मेरा मुंशी है बहुत अच्छा हुक्म करो। तो दोवें बैठ गए दोवां ने गल सुनाई लगा समझ पूरी नहीं आई क्योंकि मेरे सिर पे है पृथ्वी का बोझ। कुछ तो मैं गल सुनी है ते कुछ सुनी नहीं कुछ समझी है कुछ नहीं समझी। जरा चंगी तरह समझा दियो पर पहला एक काम करो करके अपनी किसी शक्ति नाल जरा से धरती संभाल रखो ते मैं थोड़ा जी सुख का सहा ले लें ते फिर सुन के फैसला मैं ही कर देंगा भगवान नूं तकलीफ देने की लोड़ ही नहीं तू फैसला कर देवेगा। कि हां गल ही वड्डी कोई नहीं विश्वामित्र ने आख्या बहुत अच्छा कर फैसला के जी पहला जरा तो मेरे सिर तो धरती का भार उतारो। विश्वामित्र ने पानी की कुली भर के संकल्प किया आख्या धरती मैं तेनू 100 साल की तपस्या का फल दिना तू ठहर जा। शेषनाग जरा पासे होने लगा ते धरती हिल गई आखिया प्रभु ते बल थोड़ा है होर दे। हौली हौली दिंदिया 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 विश्वामित्र ने जितनी तपस्या की थी सारा फल दिता पर धरती न खड़ोती होर कुछ दियो अजे भी थोड़ा है। आखिया मैं तो सब कुछ दे बैठा तो उसने बस इस वल तकिया महाराज तुम कोई अपना बल लगाओ कोई जोर लगाओ धरती जरा सखमो से मैं फैसला दे दें। बस इसने आखिया आए धरती माता मेरे को अद्धी घड़ी सत्संग का फल मैं गरीब हां मेरे को बहुत कुछ नहीं। विश्वामित्र स्वामी तो बड़े होए ना इन्होंने बड़े युग तपस्या की थी और इन्होंने सारा फल दिता तेनू नहीं प्रवान होया मैं किस दावे से आखा कि हम तू मेरे बल नाल खड़े हो जा पर जो कुछ मेरे को है वो हाजिर है। पर तुली पानी भी संकल्प किया आखिया धरती माता मैं अद्धी गड़ी सतसंग का फल दिना। जिस वेले सतसंग की अद्धी गड़ी का फल दिता शेषनाग पासे हो गया धरती अडोल खड़ो हो गई। हूं शेषनाग कदे विश्वामित्र देखता कदे वशिष्ठ देखता ऐसा स्वामी फैसला हो गया है कि मैं करा। विश्वामित्र ने आख्या हो गया फैसला हो गया तेरे फैसला करने की लोड़ नहीं है फैसला हो चुका। मैं तपस्या नूं अज ताई बड़ा कुछ समझदा रहा था अज मेरिया अखा खुलियां कि नहीं सतसंग भी करी। विश्वामित्र के पैर
ਵਲਛੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੁਕ ਗਿਆ ਵਸਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਸਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੋਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਨਾ ਕੋਈ ਜਨ